गाजीपुर जिला जेल में शनिवार रात बिल्कुल फिल्मी वारदात हुई। आपने फिल्मों में देखा होगा कैदियों को जेल से फरार होते हुए। गाजीपुर जिला कारागार में भी ठीक यही हुआ। यहां से भी दो बंदी फरार हो गए। पुलिस अब इनको पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। बंदियों के भागने से जिला कारागार प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। कैदियों को खोजने और फिर से पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें उतार दी गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल प्रशासन ने पहले तो इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये खुल ही गया। बता दें कि खानपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी विकास यादव पुत्र प्रकाश यादव व हिमांशु यादव पुत्र चंद्रका यादव कुछ दिन पहले ही जेल भेजे गए थे। इन दोनों पर छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट लगा था। इन दोनों के भागने से जेल प्रशासन की लापरवाही एकदम से उजागर होकर सामने आ गई है। बता दें कि इनको 22 मई को गिरफ्तार कर जेल लाया गया था, जिसके बाद ये तेज की रात दीवार कूदकर फरार हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात में करीब 9 बजे जब भोजन के दौरान कैदियों की गिनती हुई तो उक्त दोनों गायब थे। इसकी जानकारी जब आला अधिकारियों को हुई तो पूरे जेल परिसर में ढूंढा गया। दूसरे कैदियों से पूछताछ भी की गई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने पुलिस टीमें गठित कर इन दोनों बंदियों को ढूंढने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की जानकारी मिलते ही रविवार को डीआईजी जेल डीएम व एसपी जिला कारागार पहुंचे। आइए सुनते हैं कि डीआईजी जेल इस मामले में क्या कह रहे हैं। लगभग 7 बजे बंदियों की गणना के समय ये पता चला कि दो बंदी कम है, तो प्रशासन ने उनको ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो नहीं मिले। आज जो वहाँ पर निरुद्ध स्थल को देखा गया तो निरुद्ध स्थल जो है खाता संख्या 10 और 11 बिल्कुल मुख्य सर्किल से दूर है और मुख्य प्राचीर के निकट। मुख्य प्राचीर पर जो पैर के घिसटने के जो निशान हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये बंदी मुख्य कारागार से ही पलायन की। सर, इसके बाद आप लोग कल से क्या कार्रवाई करेंगे? इस प्रकरण में जिनकी ड्यूटी खाता संख्या 10 में थी, बैरिक प्रभारी श्री रामनाथ सहाय जेल हेडवार्डर तथा अशोक कुमार पाठक दिन जेल हेडवार्डर को प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाया गया है और इन दोनों को निलंबित करके आगे विस्तृत जांच की जा रही है। लेकिन सर, ये दिवाले जो हैं अगर फोन की जा रहे हैं तो 15 से 20 ऊँची है सर, और इस दफा में सर कैसे दीवार की जो ऊंचाई है वो लगभग 10-12 फीट है। जो बैरिक जिसमें निरुद्ध थे उसी से पीछे डे लैट्रिन लगी हुई है। अभी हम लोगों ने देखा तो डे लैट्रिन पर आसानी से कोई व्यक्ति चढ़ सकता है और उस पर चढ़ने के बाद बैरिक की छत पर चढ़ सकता है और बैरिक की छत से पार्टीशन वाल के सहारे मेन वाल से जाया जा सकता है। अब वरिष्ठ अफसर इस मामले की जाँच कर रहे हैं। डीआईजी जेल बीआर वर्मा ने जेल के दो जेल कर्मियों रामनाथ व अशोक कुमार पाठक को निलंबित कर दिया है। इस मामले में जांच भी बैठा दी गई है। मौके पर जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह, सीओ ओजस्वी चावला समेत पुलिस बल मौजूद रही। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।